तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जो हमारा एटीएम कार्ड आप देख सकते हैं, हमको एटीएम कार्ड मिला पीएनबी का और इसको हम एक्टिवेट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका पिन जनरेट करते हैं। कैसे पिन जनरेट करते हैं आइए दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे कि एटीएम के द्वारा कैसे पिन जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप कार्ड जो है आप अपने मशीन में डालिएगा। जैसे मशीन में आप डालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कुछ देर वेट करने के लिए बोलेगा। जब आप रुकेंगे तो फर्स्ट वाला ये देखिए चारों तरफ से ऑप्शन आएगा, लेकिन क्रिएट चेंज पिन जो लिखा है ना इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए ओटीपी जनरेशन और ओटीपी वैलिडेशन दे रहा है। तो आपको ओटीपी जनरेशन पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया। जब आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाएगा। जब मोबाइल पे चला जाएगा वो 6 अंक रहेगा। उसके बाद से मैं बताता हूँ। जब ओटीपी चला जाएगा ओटीपी आपको लिख लेना है और उसके बाद कैंसिल करके और फिर से आपको ये अपना कार्ड निकाल लेना है। कार्ड निकालने के बाद से फिर इस कार्ड को दोबारा डालना है। आपको बता दे रहा हूँ डाल के, फिर आपको पिन कैसे डालना है, एक्टिवेट कैसे करना दिखा रहा हूँ। तो आइए अभी देखिए ओटीपी जो है हमारे मोबाइल पे चला गया है और अभी फिर से हम कार्ड इसमें इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ लगाने के लिए दे रहा है तो हम कार्ड जो है इसको लगा रहे हैं। देखिए लगा दिए हम अपना कार्ड। कार्ड लगाते ही आपको देखिए इस तरह का स्क्रीन आपको शो करेगा। देखिए सामने से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब आ गया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का जब आ जाएगा तो आप ये क्रिएट चेंज लिखा है ना इस पर क्लिक कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर ओटीपी वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा। दो ऑप्शन आ रहा है ना, ओटीपी वैलिडेशन और इसके बाद 6 अंक का पिन गया होगा आपके मोबाइल पे, वो डालने का है। तो क्या है 38 59 88 यहाँ पे देखिए 38 59 88 डाल दिया और यहाँ पे यस कीजिएगा। अभी आप जो भी आपका 4 अंक का कोड है वो डाल दीजिए, फिर से डालिए। अभी आपका सक्सेसफुल जो है एटीएम का पिन बन गया है, वो तो अंदर चला जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे लिख गया है पिन सक्सेसफुल से और यहाँ कैंसिल करके देखिए हो गया। अभी आप बैलेंस चेक कर सकते हैं उसी नंबर से। भैया एक चीज जैसे पहले कर रहा था ये बन गए, फिर बाद में आने ये बना सके। हाँ इसको भी बना। ठीक यहाँ बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा। जो कोड हम डाले हैं उसी को डाल के देखते हैं कि पिन सही बना है नहीं बना। देखिए 484 रुपये दिखा रहा है, इसका मतलब ये बन चुका है। वैसे ही करके आप अपना भी पिन जनरेट कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी हम इस एटीएम कार्ड से अपना पिन जनरेशन किए हैं। आप ऐसे ही सेम रूल्स फॉलो करके आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं और अभी जो है आप देख सकते हैं ये हमारा पिन यहीं से बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा।